चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। एक बंदा अपनी जिंदगी में बहुत दुखी था। हर रोज उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने दुख को दूर करने के लिए बहुत भटका, पर कुछ हाथ ना लगा। वो सुकून पाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया करने लगा, पर सुकून भी नसीब नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने अपने मुश्किलियों से भरा हुआ खत लिखा और भगवान को भेज दिया। दिन पे दिन गुजरते गए, अब तो वो भी खत के बारे में भूल गया था। तभी अचानक एक दिन उस खत का जवाब आया। उस खत में लिखा था, मेरे प्यारे, मैं भगवान तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। तुम्हें आज मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल जाए ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ। बस इतना याद रखना, तुझे सिर्फ मेरे इस खत का पालन करना है। जब तेरी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आए जो तुझसे हल ना हो, तो मुझे एक खत लिखना और मेरे नाम के प्रार्थना बॉक्स में डाल देना। पर याद रहे, बार बार उस प्रार्थना बॉक्स को खोलकर मत देखना, क्योंकि तेरी परेशानियों का हल जरूर निकलेगा, पर तेरे समय पे नहीं, मेरे समय पर निकलेगा। अगर व्यापार धंधे में नुकसान आ जाए तो घबरा मत जाना, बल्कि उन लोगों के बारे में सोचना कि जिनके पास कोई व्यापार धंधा ही नहीं है। जब तुम ट्रैफिक में फंस जाओ तो अपना आपा कभी मत खोना, बल्कि उन लोगों के बारे में सोचना कि जिनके लिए कार या बाइक चलाना परियों की कहानी की तरह हो। तुम्हारा बॉस या तुम्हारा मालिक कभी तुम पर गुस्से हो तो नाराज मत होना, बल्कि उन लोगों के बारे में सोचना कि जिनके नसीब में छोटा मोटा काम या कोई नौकरी लिखी ही नहीं है। अगर तुम्हारा संडे या हॉलीडे बिगड़ जाए तो दुखी मत होना, बल्कि उन लोगों को याद करना कि जिनको अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनकी जिंदगी में कोई संडे या हॉलीडे नहीं होता। कभी तुम्हें पैदल चलना पड़े तो अफसोस मत करना, बल्कि उन लोगों के बारे में सोचना कि जिनके दोनों पैर में पैरालिसिस हो गया हो या लकवा हो गया हो, अगर वो एक कदम भी चल पाए तो कितना खुश होंगे ये सोचना। इस जिंदगी ने तुम्हें क्या दिया ऐसा ख्याल किसी दिन आए तो जरा उन लोगों को याद करना कि जो तुम्हारी उम्र तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई हो। अगर कोई व्यक्ति तुमको हानि पहुंचाता है, तुमको ठगता है या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब भी ये सोचकर खुश रहना कि चलो तुम तो ऐसे नहीं हो। अगर किसी दिन आईने में एक दो सफेद बाल देख लो तो अफसोस मत करना, बल्कि उन छोटे छोटे बच्चों या कम उम्र वाले लोगों को याद करना कि जिनको कैंसर हुआ हो, उनकी क्या हालत होगी, बस ये सोचकर खुश रहना। एक मैं ही हूँ कि जो तुम्हारी सारी परेशानियों का हल करूंगा, बस मुझ में विश्वास रखना और सब्र रखना। दोस्तों, अगर ये मैसेज आपको पसंद आया हो तो आपके परिवार के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी जिंदगी जीने की नई उम्मीद और नई राह दिखाइए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मिलन पटेल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।